तो गाइस एक बार फिर से आपका स्वागत है तो चैनल छपादी पर। मेरा नाम है पम्यन, वेलकम टू अनदर शानदार जानदार कड़ाकेदार तड़केदार एपिसोड ऑफ हाई पिक्सल। और देख रहे हो फैंस की लगातार हाई पिक्सल की वीडियो आ रही है, वो भी लाइन में, एकदम लाइन में ब्रोस। मेरे को एक बंदा जो है जिंदगी में बहुत तंग कर रहा है और वो है ये, हर दिन इसी कंप्लेंट आती रहती है कि भाई मैं जमीन के ऊपर बैठ के सड़ चुका हूँ, प्लीज मेरे को अपग्रेड करो। तो गाइस अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज अपग्रेड कर दो, इसको हेल्प कर दो, इसको कन्वर्ट करना है हमने डायमंड के अंदर। हाई पिक्सल के अंदर तो मैं ग्राइंडिंग करता रहता हूँ, इसी ग्राइंडिंग सिर्फ आप लोग कर सकते हो। तो अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो इसकी हेल्प कर दो प्लीज। नीचे सब्सक्राइब का बटन देकर रखा हुआ है, उसके ऊपर क्लिक कर दो ताकि ये हमारा लौंडा अपग्रेड हो जाए डायमंड में। एंड इमेजिन ब्रोस, हमारा डायमंड बटन आ चुका है। तो एक हाथ में गोल्ड बटन ये वाला, एक हाथ में डायमंड बटन, इमेजिन दोनों बिच्छू गाय के डायमंड बटन यहाँ पड़े हुए हैं, वो भी टेबल के ऊपर। भाई क्या ओपी सीन होगा यार, कम ऑन प्लीज कर दो यार। एंड वन सेकंड ब्रोस, ये रही हमारी हाई पिक्सल की कड़ाकेदार शानदार जानदार दुनिया। क्या बात है, एकदम बढ़िया। और अगर पैसों की तरफ देखें तो गाइस आपको याद होगा कि लास्ट वाली वीडियो में हम एकदम कड़कड़ा गए थे और अभी फिर से बिच्छू गैंग ने हमको 3.7 बिलियन तक पहुंचा दिया ब्रोस। बहुत बड़ी रकम है यार, थैंक यू सो मच फॉर दिस। और अगर मैं आपको अंदर की बात बताऊं तो ये वाली वीडियो मैं तीसरी बारी रिकॉर्ड कर रहा हूं। पहले बारी मैंने रिकॉर्ड का बटन नहीं दबाया, दूसरी बारी मेरी गेम करप्ट हो गई, और तीसरी बारी है वेलकम टू हाई पिक्सल ब्रो। हाई पिक्सल के अंदर रे चलता रहता है उसको। हाँ इसको देख लो, हमने तेरे को देखा ही नहीं, हम तो अंधे हैं, नहीं देखा भाई, नहीं देखा। ओ छुप रहा है, अरे कितना क्यूट लग रहा है यार, तू छुप के रुक, मैं भी छुपता हूँ, हम छुपेंगे इसके पीछे। ले 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 भाई कितना क्यूट लग रहा है यार, मैंने तो इसको देखा भी नहीं। अरे पीछे तो देखो भाई, पीछे तो देखो, पीछे म्यूजियम। भाई ये कमेंट देख के मैं एकदम से बौखला चुका हूँ, क्योंकि गाइस अगर अपनी हाइपेरियन की सोर्ड म्यूजियम के अंदर पड़ी है तो हमको इतनी ग्राइंडिंग करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। और आई थिंक ये वाला काम मैं एक्चुअली पहले कर चुका हूँ। वेलकम टू द लॉबी। ये क्या बला चुकी है भाई, शाइनी पिक। एक काम करते हैं इसको बाद में झेलते हैं। और ये देखो नया पेट वाला बंदा भी आ चुका है। हेलो, सबसे पहले गाइस मेरे को जाना अपने म्यूजियम के अंदर जो कि ऑब्वियसली बना हुआ है इस खतरनाक पहाड़ों के पीछे। और ये रहा अपने बिच्छूगंग का म्यूजियम। एंड वन सेकंड ब्रोस, कोई भी यहाँ पर आ सकता है, और अगर यहाँ पर अपनी हाइपेरियन मिल गई ना तो भाई लेने के देने भाई, एकदम मजे, एकदम पार्टी हो जाएगी अपने यहाँ पर। ओके तो ये रे गाइस मेरे कुछ आर्मर वगैरह यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आता है ये इसका नाम है जबान तोड़ू सोड। इसके बाद आती है हमारी जायंट सोड जो कि ये नहीं चाहिए। इसके बाद आता है हमारा क्लोक सोड, ये भी मेरे को नहीं चाहिए। और ओवरफ्लक्स ये भी नहीं है, लिविड टाइगर भी नहीं है भाई। देख बार फिर से जबान तोड़ू सोड आ चुकी है, जूजू वो भी। अरे मेरे पास जूजू वो है, मेरे को पता भी नहीं था, वो तो है एस्पेक्ट ऑफ द एंड, ये भी मेरे को नहीं चाहिए। उसके बाद आता है हमारा ट्री कैप केक। उसके बाद आता है हमारा शानदार रूनान बो, और ये पता नहीं एक फालतू की मछली। लेकिन अगर मैं इस तरफ जाके देखूं तो गाइस मेरे पास और वेपन्स ही पड़े हुए हैं, तो ये भी नहीं है, कटाना भी नहीं है, फ्लावर ऑफ विदर्स ट्रूथ वगैरह पता नहीं क्या लिखा, ये भी मेरे को नहीं है, अनडेड सोर्ड भी नहीं है, अडैप्टिव ब्लेड भी नहीं है, स्कॉर्पियन सोर्ड भी नहीं है, फूच सोर्ड भी नहीं है, और ये बॉन्जो स्टाफ ये भी नहीं है। ऑब्वियसली गाइस अपना म्यूजियम जो है बहुत ज्यादा बड़ा, यहां पर भी जा सकते हो, वहां पर भी जा सकते हो, और इसके नीचे भी जा सकते हो। तो मुझको लगता है कि अगर मैं ऐसे भागम तोड़ी करके छानबीन करूंगा ना तो कोई ना कोई अरमारी फोलनी रह जाएगी। तो एक काम कर रहा है सीधा इसी के पास आते हैं। चाचू कैसा है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो यहाँ पर मेरे पास जितने भी वेपन्स होगा ना यहाँ पर मेरे को दिखा देगा। ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। भाई प्लीज बता दे कि तेरे पास हाइपेरियन यहाँ पर पड़ा होगा यार। जूजू रूनान अडेप्टिव बॉन्जो ये भी नहीं है, पिगमैन सोर्ड भाई मैंने बहुत टाइम पहले बना कर रखी थी पिगमैन सोर्ड, लेकिन वो भी नहीं है। मेरे को एक सेकंड के लिए लगा कि भाई अपना हाइपेरियन मिल चुका, लेकिन नहीं। लेकिन एक काम करते हैं ब्रोस, यहाँ पे हाइपिक्सल के अंदर ना एक बंदा है जिसका नाम है रस्ती, जो कि आपको मिल जाएगा गोल्ड वाली माइन के अंदर। तो फटाफट से वहां पर जाके उसको मिल लेते हैं। अब रस्ती के जॉब एकदम सिंपल है। तो बेसिकली जब आप हाइपिक्सल खेलते हो और कोई चीज, ए हैंग ऑन अ सेकंड चाचू लाइब्रेरियन जी कैसे हो, रस्ती को मस्का लगाने के लिए ना एक स्टैक एक्सपी ले लेते हैं। तो बेसिकली रस्ती की जॉब एकदम सिंपल है। तो अगर आप गेम खेल रहे हो और कोई इंपॉर्टेंट चीज आपसे खो जाती है जो कि आप फिर से बाय नहीं कर सकते, वो इसके पास चली जाती है। और प्लीज बता दियो, हेलो रस्ती मेरे भाई, अरे कैसे हो, मैंने तेरे को बिल्कुल भी मिस नहीं किया, बिच्छू गैंग के बंदों ने भी बिल्कुल मिस नहीं किया। ये देख देख कैसे शगुन मार रहा हूँ तेरे ऊपर, पूरा स्टैक। निकल यहाँ से, तेरे लिए नहीं है ये, तेरे लिए नहीं, बंदर कहीं निकल गया यहाँ से, और नहीं मारना है, सिग्नल दे रहा है, यहाँ मार चल बे। पैसे मैंने कमाए, मेहनत मैं कर रहा हूँ, और एक्सपी ये लेके जा रहा है। मैं तेरे को बता रहा हूँ, मैंने तेरे को किक करवा देना यहाँ से,
हालांकि मेरी इतनी पहुंच नहीं है। अच्छा मैं फटाफट से उसके आने से पहले मार दो। फट से दुबले। तू मेरे को बेवकूफ बनाएगा? मैं पहले से बेवकूफ। आयरन की पिकैक्स भी नहीं है, रोक सोर्ड भी नहीं है। कम ऑन यार, ये वाली कौन सी सोर्ड है? हंटर्स नाइफ, ये भी नहीं चाहिए मेरे को। अरे यार इसके पास भी नहीं है। लेकिन एक फंटा और है मेरे पास और वो है जेरी। तो यार मैं ये बता रहा था कि कभी कभी जेरी उठा लेता है। अरे रहा गाइस अपना खतरनाक वाला जेरी। प्लीज दोस्त मेरे भाई, कोई अक्ल है कि नहीं है भाई? मैं तेरी, हाँ मैं आइलैंड का मालिक हूँ पता ना तुम लोगों को। भाई को इज्जत दिया करो मेरे को। भैंस की ये ले, तुम्हारी वजह से मेरी हाइपीरियन निकल गई। हेलो जेरी, अजी कैसे हो? एक बार फिर से उसके ऊपर क्लिक करूँ और डिलीवरीज के अंदर जाऊँ तो यार आइलैंड डिलीवरीज के अंदर कुछ भी नहीं है यार। पर्सनल डिलीवरीज के अंदर प्लीज यार कुछ है नहीं। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि चपाली भाई आपकी हाइपीरियन घूमी कैसे, तो मैं फटाफट से वीडियो आगे बढ़ाने से पहले वो भी आपको मैं क्विकली फटाफट से बता देता हूँ। तो बेसिकली गाइस मैं एक दिन आया था यहाँ पर अपना लेवल ग्राइंड करने के लिए और मेरे को मारने थे यहाँ पर खतरनाक एंडरमैन। और मेरे को किसी ने बताया कि यहाँ पर जाओ, ये देखो डेंजरस लिखा भी हुआ है। तो मैं यहाँ पर गया और मैंने देखा कि भाई तो भैंस की मेरे को बाहर क्यों निकाल रहे हो यार। बट एनीवेज अगर मैं यहाँ पर अंदर जाऊँ तो ये मेरे को मिले जीलॉट्स, आई एम नॉट जीलॉट्स, ये पता नहीं क्या है। इनकी हेल्थ देख रहे हो, 7.5 लाख इसकी हेल्थ है भाई। ये देखो 7.5 लाख, इसकी भी 7.5 लाख और पीछे वाले की हेल्थ देख रहे हो, पूरे 8 मिलियन उसकी हेल्थ है। तो यार मैं ये मारने आया था लेकिन इनको पता लग गया कि मैं इनको मारने आ रहा हूँ और ये देख के मेरे को भाग निकल। इससे पहले कि ये सारे मेरे को मारे मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। और यार और इसी भैंस की फिर से अंदर आ गया, पहले बाहर जाने नहीं दे रहे अभी अंदर आने नहीं दे रहे। तो यार इसी हड़बड़ी में गाइस मेरे से पता नहीं कब क्यू का बटन दबा, कब हाइपीरियन गिर गई, कब नुकसान हो गया पता ही नहीं लगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं ब्रो, एक बार फिर से हाइपीरियन अपने हाथ के अंदर आ चुकी है और इस भारी ये देख रहे हो मैंने पूरी लॉक करके रखी हुई है। तो अगर मैं क्यू दबाऊं भी ना और अगर मैं इसको ड्रैग करके बाहर भी फेंकूं तब भी ये सॉर्ड मुझसे अपना पीछा नहीं छुड़वा सकती, एकदम लॉक हो चुकी है अभी ये। बट एनीवेज ब्रो अभी मैं आ चुका अपनी लॉबी के अंदर, सबसे पहले मेरे को देखना कि और रंगो क्या लेके आया भाई मेरे। तो गाइस ये रहा अपना शानदार पेट कलेक्टर। ये बंदा एक्चुअली जू के अंदर काम करता था और जू के अंदर से कभी कभी ये जानवर चुरा के हाईपिक्सल के अंदर आता है बेचने के लिए। भाई इसने बहुत माल कमाया यहाँ पर। हेलो चाचू जी कैसे हो? तो इस बार क्या लेके आया भाई? टाइगर लेके आया भाई साहब, व्हाट द हेल। इसके पास है जिराफ, ये मेरे को नहीं चाहिए। इसके पास है एलिफेंट पेट, ये भी मेरे को नहीं चाहिए। और इसके पास है द माइटी टाइगर पेट जो कि लेजेंडरी है। इसकी कीमत है 15 मिलियन कॉइंस और साथ में इसको चाहिए एन्चेंटेड चिकन। हे टाइगर मुझे खरीदना और उसका खाना पीना कैसे करना वो भी मैं देखूंगा, ठीक है? तू मेरे को मत बता फालतू की चीजें। और हैंग करो सेकंड, मेरी कलेक्शन में बिल्कुल टाइगर है भी तो नहीं। एक काम करते हैं भाई, सबसे पहले मेरे को टाइगर लेना है तो इसके लिए मेरे को चाहिए एन्चेंटेड चिकन, वो भी आई थिंक हाफ अ स्टैक। अब मैं जाके हाईपिक्सल की ग्राइंडिंग करके चिकन वगैरह ले सकता हूँ। लेकिन ग्राइंडिंग कौन करता है? हम यहाँ से पूरा स्टैक बाय करेंगे। कितने का? बस 1 लाख कॉइंस का। नाइस, अभी जाके फिर से मेरे को यहाँ पे औरंगो से मिलना है। हेलो चाचू जी कैसे हो? और भैंस की यहाँ कितने चाहिए इसको भाई मेरे? 1000 चिकन भाई, ये बड़ा पेटू टाइगर है भाई। तो मेरे को टोटल चाहिए 1024 चिकन्स। इसकी प्राइस कितनी होगी? 1.8 मिलियन। ये देखो पूरी इन्वेंटरी मेरी चिकन से भर चुकी है यार। अभी ये इन्वेस्टमेंट है तो हमें चाहिए बाद में, ठीक है? अपने ही काम आएगी। और अगर मैं एक बार फिर से इसको कंफर्म करके देखूं तो फट अभी हमारी बात हो चुकी है शेरों के साथ। ये देख रहे हो? ए पेचकश सीधा इन्वेंटरी के अंदर आ जा, अभी नौटंकी मत करियो, ठीक है? तो अगर मैं अपना टाइगर पट को यहाँ पर लगा के देखूं तो ये रहा। टूट पड़ उसके ऊपर, उधर पीछे टूट पड़ पीछे। लेकिन ऑब्वियसली ब्रो से अभी लेवल 1 पे है बेचारा यार, देख रहे हो लेवल 1 पे। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, जैसे हमारी गेम आगे बढ़ती रहेगी ना ये इसका लेवल बढ़ता रहेगा। लेकिन हैंग हो रहा है सेकंड, इसका लेवल बढ़ाने का मेरे पास एक चीट तरीका आ चुका है, अपनी स्पाइडर्स। और अभी मैं तुम्हारे कान खोलता हूं तो अगर मैं यहीं से अपनी जायंट सोर्ड फेंकूं तो कुछ भी नहीं हुआ यार। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, होता है यार, अपना टाइगर जो है एकदम से अपग्रेड हो जाएगा। लेकिन एनीवेज आगे बढ़ने से पहले अगर मैं अपनी इन्वेंटरी खाली करूं तो भाई लेवल 25 पर पहुंच चुके अपना टाइगर भाई, वाकई में शेर है यार लौंडा। तो अभी मेरे को और भी कर रहा है तो अगर मैं उसके ऊपर क्लिक करके देखूं तो फट से लेवल 31। होली शिट भाई, बाकी की चीजें बाजार के अंदर बेच दो। एंड अगर मैं उसके ऊपर क्लिक करके देखूं तो फट से लेवल 35। मेरी जान अपना टाइगर, तो एकदम से शेर बन रहा है। भाग लो, तुमको पता है मेरे पास टाइगर आ चुका है।
अजीब पागल मकड़ियां यार चिपक जाती है साथ में। एक और एटलीस्ट लेवल 50 तक तो पहुंचना ही पहुंचना है, बार एनीवेज लेवल 45 भी इज नॉट बैड। और एक बार फिर से गाइस हाईपिक्सल की लॉबी के अंदर आ चुका हूं और मेरे सामने खड़ा है कौन, साइमन हाईपिक्सल का बॉस। लिटरली गाइस अगर आपको पता नहीं है कि साइमन कौन है, इस बंदे ने हाईपिक्सल बना के रखी है। हेलो चाचू, हे ये हाथ के ऊपर खून क्यों लगा के आया, क्या मतलब तेरे हाथ खून से रंगे हैं? तो अगर एक बार फिर से गाइस इसके ऊपर मैं क्लिक करके देखूं तो ये मेरे को देगा टोपी। यह हाईपिक्सल के अंदर हर साल आता है और सबको टोपियां पहनाता है, तो अगर मैं टोपी पहन के देखूं तो यार देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा हूं यार मैं। यहां पर मैंने एक और चीज देखी है और वो है अपने शाइनी फिगीज। आई थिंक इसका फंटा मैं बहुत टाइम पहले बना चुका हूं, लाइक लिटरली लॉन्ग टाइम अगो, और मैंने अभी नोटिस किया कि इसके पास सुअर भी है। एक कम था तो दूसरा लेके ये चुक नहीं मारना था। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके देखूं तो ये मेरे को दे रहा है शाइनी ऑप। अरे मैं फंडा समझ गया, 5000 की ऑप दे रहा है भाई, व्हाट द हेल, दोनों लूट रहे हो पटाके। अरे ये मेरी टोपी में से निकल रहा है, बट एनीवेज गाइस ये देख रहे हो तो ये तो लूट रहा है, साथ में इसको भी लेके आया लूटने के लिए। भाई तेरे को पता है हाईपिक्सल के लोग अपने पैसे कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके देखूं तो ये देखो शार्नी ऑफ जो कि मिल रही है 5000 की, और आई थिंक इसको मुझे मारनी पड़ेगी यहाँ पे सुअर के ऊपर। किधर गया, हेलो सुअर पार्ट पर ही चला गया ये तो हर। तो बेसिकली गाइस मुझे अपना सुअर ना यहाँ पर लेके आना है ये चपाती गेमर की ओर्प के पास, लेकिन मेरा सुअर तो भैंस के आसमान में चला गया यार, वो तो किधर चला गया यार ये। लिटरली गाइस मैंने जब उसके ऊपर मारा तो सुअर एकदम से नासा वाले बहुत खतरनाक है। हाँ सुअर ये अच्छा, मेरे को एक सेकंड के लगा कि ये मेरा सुअर है, क्या मैं इसको मार सकता हूँ क्या, हैंग ऑन अ सेकंड, हे जाना। अरे मेरे को फ्लावर नहीं चाहिए भाई, चपाती नाम सुन के फ्लावर समझा क्या? एक तो साइमन दिमाग खराब कर रहा है और एक ये, कम ऑन मुझे मारना है इसको। अरे ये रहा, अच्छा नहाने बैठे हैं सर जी। और एक बार फिर से पटाखा निकला मेरे अंदर से, ये मैं मार रहा हूँ क्या, क्योंकि आसपास मेरे कुछ भी नहीं है, आदमी टोपी में से निकल रहे होंगे मे बी। बट एनीवेज गाइस ये देखो अपना हम सुअर, ये देखो पानी के अंदर तैर रहा है। चल तेरे को वहां पर जाना भाई, हेलो तेरे को वहां पर मेरे को लेके जाना, खो एक मेरे को पैसे मिलने वाले हैं भाई, क्या पता है मेरे को हाईपिक्सल मिल जाए। ऑब्वियसली गाइस हाईपिक्सल का लक किसी को नहीं पता, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। अबे उधर जाना तेरे को, एक तो तलवार के ऊपर मैंने नॉक बैक पे नहीं लगा कर रखी है, हैंग ऑन अ सेकंड, ये आईडी एकदम से जबरदस्त है। कम ऑन वन मोर, अरे मेरा सुअर गायब हो गया। और ये देखो ये अपना शेर, एक तो अपना शेर भी नकार रहा है, इसे चिकन खिलवा लो, सुअर पकड़ ले तो आते ही नहीं है सुअर कहीं के को। ओके एक बार फिर से मेरे को यहाँ पर शाइनी ऑर्ब लेनी है। ओके अभी मेरे को थोड़ा बहुत ध्यान से खेलना, एक तो अपने सुअर आसमान की बुलंदियां छू रहे हैं, देखो इसको मैं नहीं मारूंगा क्योंकि पहले से ही फंसा हुआ। तो काम करता ये वाला बिल्कुल लॉबी के बीच में आ, फट से भाई उड़ के जापान जाएगा तू, हैं उड़ के जापान जाने की सोच रहा तू मेरे भाई। ओके अब इसको आराम आराम से उधर लेके जाना है, तो खुद ही उधर जा रहा है, नाइस वेल डन, ये खुद ही घुस गया अंदर, नाइस वेल डन, ये सुअर एकदम शानदार था। तो एक बार फिर से गाइस मेरे को यहां पे फ्लावर गिराना है, और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके देखूं तो क्या मिला, 1000 एल्केमी एक्सपी। ये हाई पिक्सल नहीं ब्रो, ये है बेड़ा गर्क पिक्सल। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, तो एक बार फिर से मैंने यहाँ पर ऑब लेकर रखी हुई है, इस बार तो ट्राई बनता है और इसके ऊपर फट से मारना है। और ये देखो उड़ के कहाँ जा रहा है, कलकत्ता पहुंचा है भाई, नाइस। उधर जाना तेरे को, उधर इधर इस तरफ, हट जा सामने, बता मेरे सर के ऊपर खून से मारा है, इधर 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 घुस अंदर, देख मत उसको, तेरे को अंदर जाना है। और अगर मैं फिर से, क्या मिला मेरे को, 3000 कॉइंस, भैंस की 5000 इन्वेस्ट करके 3000 मेरे को दे रहा है भाई, कैसा चुना ये, लूट रहे यार ये मेरे को। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, मेरे पास अभी ना सुअर को अंदर पहुंचाने का एक बड़ी मस्त प्लान आ चुका है। तो मैंने यहाँ पर बाय करके रखी हुई एक छोटी सी तलवार जो कि मेरे को 4 रुपए की पड़ी, नाइस है। अब मैं खुद जाके क्राफ्ट कर सकता था, लेकिन भाई क्राफ्ट करने बहुत टाइम लग जाएगा, सस्ता और टिकाऊ ऑप्शन यही है कि वहां से जाके बाय कर लो। हेलो चाचू दिमाग मत खराब कीजिए, मेरे सर के ऊपर सुअर सवार, हाँ मेरे पास भी टोपी है भाई, मेरे को टोपी मत बना। तू पटाखे कैसे मार रहा है, रुको अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके देखो तो इसके पास डिफरेंट टोपी है, गिव मी योर हैट नाउ, अच्छा नहीं देनी, चल ठीक है मत दे। बट एनीवेज गाइस यहां पर हमारे बाबा जी का ऑफिस है, इधर के बाबा जी का ऑफिस ये रहा। ओके तो अगर मैं इसके ऊपर जाऊं और अपनी तलवार रखूं, और मेरे को अभी इसके ऊपर लगाना नॉकबैक, एंड नॉकबैक 2 लगाएंगे, फट से मारो। और ये रही ब्रोस अपनी नॉकबैक रेडी हो चुकी है, और अभी देखना एक ही फटके में सुअर तिजोरी के अंदर, 3 बार तो करेंगे भाई, 3 बार, ये 3 बार अपना लक चलाएंगे। और ले भैंस की सुअर ही भाग के क्या, हैंग ऑन अ सेकंड, ये रहा अनजान सुअर, राइज अप, अभी वॉइड के अंदर गिरने वाला था नूबड़ा कहीं का, लेकिन चलो कोई बात नहीं ब्रोस, मेरे पास नॉकबैक तो है ना, फुर मत कर, बहुत है ज्यादा फुर कर रहा है मेरे सामने ये, इसको वापस फेंकते हैं यहाँ पर। और अभी जाके इसको मैं क्लेम करके देखूं तो ग्रैंड एक्सपी बॉटल्स नूपड़े, और अगर मैं ले, मैंने वेस्ट कर दी यार। ओके अगर मैं ये बेच के देखूं तो कितने मिलते हैं,
10,000 पॉइंट्स, नाइस। मतलब कि अगला पिछला सारा हिसाब एकदम से बराबर। तो यार सुवर नहीं चाहिए भाई, मेरे को नहीं चाहिए कुछ, हमारा लक बहुत खराब है, कुछ नहीं निकलेगा भाई, मुझको पता तेरे को यहाँ से स्नो 20,000 आते और दे। वाह वाह वाह, देख रहा है नमूने कहीं के, देख रहा है 13 से ज्यादा पैसे तो मेरे को दुबड़ा दे रहा है। और ऑब्वियसली गाइस जब साइबन आता है तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ बड़ा हाईपिक्सल के अंदर आने वाला है, और उसको कंप्लीट करने के लिए हमें करने पड़ते हैं कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स। और ऑब्वियसली वो करने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा अपनी खतरनाक कम्युनिटी वाली बिल्डिंग के अंदर, और यहां पर आपको मिलेंगे खतरनाक वाले प्रोजेक्ट्स। ये क्या है? सिटी प्रोजेक्ट्स, रिपेयर विजिट पोर्टल। वेट व्हाट, हैंग ऑन अ सेकंड, मतलब कि नया अपडेट यहाँ पर आने वाला। ओ माय गॉड, इन लोगों ने क्या बना के रखा है यार। मेरे को अच्छे तरीके से याद है गाइस कि ये बिल्डिंग ना पहले एकदम से खंडर थी, और अभी देख रहे हो क्या ओपी डेवलपमेंट चल रही है यहाँ पर। तो एक्चुअली गाइस मेरे पास हाईपिक्सल के अंदर ना एक पुराना मैप पड़ा हुआ है, तो पुराने मैप के अंदर मैं फटाफट से आपको दिखाता हूँ कि ये बिल्डिंग एक्चुअली पुराने जमाने में कैसे थी, और ये फायरवर्क्स तक पक्का मैं ही मार रहा हूँ। ओके, अभी मैं सिंगल प्लेयर के ऊपर आ चुका हूँ, तो ये रहा हाईपिक्सल का मैप। तो अगर मैं इसको लोड करके देखूँ तो ये रही गाइस हमारी हाईपिक्सल की पहले वाली दुनिया, भाई साहब एकदम बढ़िया। ओके, तो अगर मैं इस तरफ जाके देखूँ तो मेरे को मिलेगा अपना टावर, और ये देख रहे हो कितना फर्क है भाई, पुराने जमाने में कितना बेकार था ये, अभी तो फुल डेवलपमेंट हो रही है इस टावर के ऊपर, मतलब कि नेक्स्ट बड़ा अपडेट इसके ऊपर कुछ ना कुछ आने वाला है। ओके, ये वाला प्रोजेक्ट तो हमने कंप्लीट करना ही करना, क्योंकि मेरे को देखना है कि वहां पर आखिरकार क्या आने वाला है। तो कंप्लीट करने के लिए गाइस हमें यहां पर क्लिक करना होगा, और इसको चाहिए 390, इतना सारा लैपिस, मतलब कि जरूर कोई ना कोई पावर रिलेटेड चीज आने वाली है, क्योंकि लैपिस इक्वल्स टू पावर। तो या इस वाले में पूरी हद करूंगा, और ऑब्वियसली ब्रोस लैपिस लेने के लिए जाना पड़ेगा हमें डीप माइंस के अंदर। ओके गाइस, तो ये अपनी माइन की जगह, अभी मेरे को बाबर के ऊपर क्लिक कर रहा हूं, सीधा जा रहा है लैपिस माइन के अंदर। देख रहे नए नए बंदे को मारेगा तू, ज़ॉम्बी कहीं के। ओके, तो गाइस ये रहा एक्सपी, तो यहां से फटाफट से मैं ये उठा लेता हूं, और अपनी पिकैक्स देख रहे हो कितनी बेकार पिकैक्स है, ये देखो प्रो प्लेयर मैं तोड़ भी नहीं पा रहा, और गधी पिकैक्स से मैं तोड़ रहा हूँ, नाइस है। और गाइस अभी मेरे पास आ चुके हैं नई वाले पिकैक्स, तो अगर मैं यहाँ पे ट्राई करके देखो तो भैंस की मेरा हाथ भी वहां पर नहीं पहुंच रहा था, अगर मैं यहाँ से मारू तो भाई कितनी फास्ट है यार अपने पास टूल्स। ये भी आ जा, ये भी आ जा, और यार इतना सारा एक्सपी मैं कहां से लेके आऊं, ये काम करते हैं बाजार से ले लेते हैं। तो मेरे को जाना एक्सपी के अंदर, और पूरी इन्वेंटरी फुल करते हैं, ये ले पूरी इन्वेंटरी मैंने फुल कर दी, और यही एक्सपी हम दान करेंगे। मैं इसको बार बार एक्सपी क्यों बोल रहा हूं, लैपिस, और यही लैपिस हम दान करेंगे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। ले लो भाई, अच्छा लेना ही नहीं है, एनचांटेड लैपिस ब्लॉक चाहिए फरमाइशें। तो एक काम कर, मेरे को सीधा ब्लॉक ही दे दे, ठीक है। ये हाईपिक्सल वाले अपना दान पुल बिल्कुल कबूल नहीं कर रहे, और मैं सिर्फ एक ही दान करूंगा क्योंकि बहुत महंगा ये। अब तो ले ले मेरा दान, ले लो दान गया अपना। ओके, अब इसको बात क्या चाहिए, इसको इसके बाद इसको चाहिए भाई सज्जन को चाहिए एनचांटेड कॉबल स्टोन, साथ में एनचांटेड सैंड, मतलब कि बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग करनी होगी, और मे बी सैंड डेजर्ट बायोम के अंदर कुछ ना कुछ कर सकते हैं, तो यार दोनों का लिंक हो सकता है। हेलो चाचू, एक बार फिर से मैं आ चुका यार, थैंक यू सो मच यार, आज मैं तेरा बिजनेस चांद पर लेके जाऊंगा, चांद पर। ओके ब्रो, मेरे को ये भी दानपुन करना होगा यार, तो ये भी ले लो, और अभी जाके एक बार फिर से इसके ऊपर क्लिक करके देखो, तो फट से ले गया दानपुन, एनचांटेड मेलन, तरबूज से क्या बना रहा यार, पूरी प्लानिंग करके आया क्या लूटने की मेरे को। और उसके बाद इसको चाहिए एनचांटेड ये माइसी पता नहीं क्या है, और ऑब्वियसली मेरे को पता है एग्जैक्टली कहां पर मिलेगा, और ये मिलना आई थिंक मैंने इसको अभी अनलॉक भी नहीं किया। तो एक काम करते हैं, साथ के साथ गेम भी खेलते हैं, साथ के साथ अनलॉकिंग भी करते हैं, और साथ के साथ दानपुन भी करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए शवल, इसको यहाँ पर रखना है, इसको यहाँ पर रखना, और ये बन चुका अपना शवल, लेट्स गो। और गाइस मैं एक बात बताना भी भूल गया, आज हाईपिक्सल की एनिवर्सरी है, तभी मैं कहूँ की इस टोपी में से फायरवर्क्स क्यों निकल रहे हैं, देख रहे हो चमत्कारी टोपी है। तो ब्रोस आज देखो एक और गया फट से, नाइस। तो आज एक्चुअली हाईपिक्सल की एनिवर्सरी है, तभी साइबन आया हमको टोपी पहनाने के लिए, वेल डन भाई। और एक बार फिर से ब्रोस मेरे पास शवल आ चुका है, और मेरे को यहाँ बाबा जी के ऑफिस के अंदर जाना है, और इसके ऊपर मेरे को लगानी है एफिशिएंसी 5। हेलो बाबू कैसा है, तो ये रखते हैं यहाँ पर। ओके, इसके ऊपर मेरे को लगानी है एफिशिएंसी, हम लगाएंगे इसके ऊपर एफिशिएंसी 5, नाइस बाबा, थैंक यू सो मच। और अभी ठीक मेरे को चलना इस तरफ क्रिम्सन आइलैंड के ऊपर, आपको तो पता कि क्रिम्सन आइलैंड के ऊपर वोल्केनो बना हुआ है बहुत ज्यादा खतरनाक जगह पर, और उस वोल्केनो के ऊपर मेरे को मिलती है ये चमत्कारी चीज। आई थिंक वो वाला बंदा भी कॉन्ट्रीब्यूशन करने के लिए वहां पर माइनिंग करने के लिए जा रहा है, लेकिन ब्रोस ओ भाई मैं अब भी यहाँ पर गिरने वाला था यार, बहुत डेंजर जगह यार ये क्रिम्सन आइलैंड, हैंग होना सर मेरे को यहाँ पर ही मिल सकता है। ये रहा जो चीज में ढूंढने आया था बिल्कुल मेरे सामने,
अरे मैं एक लिए नहीं आया था भाई, तुम लोग पागल क्यों हो रहे हो? एक ही तो ले भाई, हेलो मार दू 2.5 मिलियन हेल्थ। देख मैं मार देता हूँ। वो वो भाई हेलो, इतना गुस्सा काहे को है यार? 2.5 मिलियन हेल्थ तुम लोगों की, तुम्हें पता है ना? पर मैं निकल रहा हूँ यहाँ से यार, इनके चक्कर में मैं कसम से मारा जाऊंगा यार। मैं आज तो इस हाईपिक्सल के प्रोजेक्ट के चक्कर में आज हमारी लाश यहाँ पर ढेर होगी। लेकिन एक काम करते हैं, यहाँ पहाड़ के ऊपर कोई गाय वगैरह नहीं आती तो फटाफट से थोड़ा बहुत यहाँ से माइन कर लेते हैं। मेरे को यहाँ पे अपनी अचीवमेंट भी अनलॉक करनी है और मेरे को यहाँ पे ये चीज़ें ही माइन कर लिया। लेट्स गो। देख रहे हो, अपनी अचीवमेंट भी अनलॉक हो चुकी है, इसका मिनियन हम बना सकते हैं। वैसे मिनियन की क्या बढ़िया, बाजार से सामान ले लेंगे यार। और अगर एक बार फिर से इसके ऊपर क्लिक करके देखो तो लीजिए जनाब, तोहफा कबूल कीजिए ब्रो। ये देख रहे हो, द प्रोजेक्ट इज नाउ 43% कंप्लीट। एक बार फिर से गाइस फटाफट से यहीं पे घूम रहा हूँ और जाके एक बारी मुआयना करके आते हैं। और ये देखो बिल्डर्स भी आ चुकी है। यो भाई कैसा है? ए, तेरे बंदा किधर है? अकेला बना रहा है क्या? और बता रहा हूँ, टॉयलेट का पाइप और बाथरूम का पाइप डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है? और मेरा बेडरूम अच्छे वाला बना लियो भाई। आई थिंक ये कोई ना कोई चमत्कारी रोल ये आंटी जी भी करेगी। लेकिन एक काम करते हैं, मेरे को पता कि ऊपर एक पोर्टल बनने वाली है तो फटाफट से ब्रोस ऊपर जाके देखते हैं और मेरे को पता करना कि ये पोर्टल एक्चुअली कहाँ पर लेके जाएगी। हेलो ओ भाई साहब, होली मूली। तो गाइस ये देखो चमत्कारी पोर्टल यहाँ पर खुलने वाली है हाईपिक्सल के अंदर। भाई क्या होने वाला, आई डोंट नो। और अगर मैं एक बार पोर्टल के अंदर जाके देखूं तो मैं पोर्टल के अंदर जा भी नहीं पा रहा ब्रोस। और अगर इसके ऊपर हेलो वर्कर रहमान, देख अच्छा अच्छा काम करिए, ठीक है अच्छा काम करिए, बहुत खतरनाक वर्कर है। और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके देखूं तो ये क्या कर रही है, पूरा पैंस की पूरी चिट्ठी लिख दिया क्या तूने? ये कह रही है Barry wants to step into the portal first once is finished। तो obviously guys I think इनका खुद का बंदा पोर्टल के अंदर जाकर देखेगा कि मामला पानी क्या है। और ये कौन है भाई साहब? अच्छा ये Barry है, ये तेरे को अंदर पोर्टल के अंदर जाना है, तू यहाँ क्या कर रहा है? ओके तो अगर मैं Barry के ऊपर क्लिक करके देखूं तो ये क्या लिखा है Barry ने, पोर्टल कम्प्लीट इट नियरली इज बिगेन अगेन आई विल। ये कैसी इंग्लिश बोल रहा भाई मेरे? ओके तो बेसिकली आई थिंक इसका फंडा मैं समझ चुका हूँ, ये पोर्टल अभी कंप्लीट नहीं हुई है। और भाई साहब ये रहा अपना विजर्ड। तो गाइस मेरे को पता है कि बहुत टाइम पहले ना मैंने आपको विजर्ड से मिलवा कर रखा था, तो अगर मैं विजर्ड के ऊपर क्लिक करके देखूँ तो पोर्टल हैजंट वर्क्ड सिंस, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। ओके विजर्ड, विजर्ड से पंगा लेना बहुत खतरनाक चीज है। बाबा बाबे की शक्ल के ऊपर नहीं जाना भाई, बाबा बहुत चालू है। तो बहुत जल्दी ये बहुत बड़ा पोर्टल और विजर्ड का अपडेट आने वाला है हाईपिक्सल के अंदर। और फाइनली गाइस अभी मैं आ चुका हूं लॉबी नंबर 1 के अंदर और आज मेरे को यहां पर एकदम फुल ऑन पार्टी करनी है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं सबको बोलता हूं कि सारे जाके एक्सपी बाय करो, एवरीवन गो बाय एक्सपी बॉटल्स, लेट्स गो। और इनको क्या मैं खुद जाके फटाफट से बाय कर लेता हूं। तो एक काम करते हैं, आज तेरी सेल चांद पर जाने वाले, तो काम करते हैं फटाफट से एक स्टैक ले लेते हैं। और मेरे को एट द सेम टाइम मेरे को यहाँ पे फायरवर्क्स भी लेने हैं। और यार वो म्यूजिक वाली पैंटे पहन के आना, ठीक है ना? ओके अभी मेरे को यहाँ से ना फायरवर्क्स लेने, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और लिखूँ फायर और एक फायरवर्क है 1,80,000 का, ये कौन सा फायर पटाखा होता है भाई? बैट फायरवर्क्स 1,00,000 का। तो एक काम करते हैं, ये वाले सस्ते पड़ रहे हैं तो 2,00,000 का एक पटाखा ले ली। तो चलो कोई बात नहीं गाइस, हाईपिक्सल का बर्थडे है तो 3-4 ले लेते हैं। अपने नूपड़े साइमन को आज हमने पूरा एक्सपी से भर दिया, भैंस की आग सारे उसके ऊपर, भैंस की एक्सपी फेंक रहे हैं यार, खतरनाक है यार, एकदम बढ़िया। और अगर अपने फायरवर्क्स रखे हैं, इतने महंगे फायरवर्क्स ले लिए, चलती भी नहीं है, पूरे बम फुस हो गए मेरे हाईपिक्सल के अंदर। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, पार्टी अपनी। अच्छा कोई पार्टी कर ही नहीं रहा भाई सब, भाई सबको पता लग चुका है कि तू इनको यहाँ पर लूटने आया है, तेरे ऊपर तो कोई एक्सपी भी नहीं फेंक रहा। लेकिन चलो कोई बात नहीं ब्रो, तो छोटी सी वीडियो के अंदर इतना काफी है, मेरे को तो बहुत 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 मजा आया। हमें सिर्फ वेट करने की वो विजिट वाली पोर्टल के अंदर आखिरकार क्या आने वाला, और मेरे को पता है जो भी आएगा एकदम से ओपी होगा। तो गाइस अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड हाईपिक्सल का जल्द से जल्द देखना है तो उसके लिए आपको सिर्फ दो काम करने होंगे, एक सब्सक्राइब करना है और दूसरा इसको डायमंड वाले बटन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो अगर आपको छोटी सी वीडियो में मजा आया तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।